उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज मैं शुरुआत में कानपुर में जाने वाला था, पर विजिबिलिटी ठीक न होने के कारण कानपुर के कार्यक्रम में हवाई जहाज नहीं उतर सका। इसलिए मैं कानपुर की जनता का और वहां जो उपस्थित सांसद हैं उनका विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। आज कानपुर में काफी बड़े प्रमाण पर अनेक योजनाओं का भूमि पूजन भी हुआ है और अनेक योजनाओं की उसकी शुरुआत लोकार्पण भी हुआ है। आज विशेष रूप से कानपुर से लखनऊ एक नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, इसके भी कार्य का शुभारंभ हुआ है। मैं कानपुर और लखनऊ की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद कानपुर से लखनऊ का डिस्टेंस केवल आधा घंटे का होगा। आधे घंटे में आप आ सकोगे, जैसे ट्विन सिटी होती है मुंबई और पुणे के बीच में, जैसे जिस प्रकार का हुआ उसी प्रकार का कानपुर और लखनऊ के बीच में यातायात की व्यवस्था होगी। आज विशेष रूप से लखनऊ में भी कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें से माननीय राजनाथ सिंह जी के आग्रह पर, जो उन्होंने यहां के रिंग रोड के बारे में विशेष रूप से कहा था, उसके बारे में भी आज सभी प्रकार से उसका भी काम काफी गति से हुआ है। पर यहां बलरामपुर से तुलसीपुर तक करीब 8,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ आज हुआ है। मैं विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे और भी कुछ बातों के बारे में आग्रह किया था और जो बात वो कहेंगे वो मेरे लिए आदेश है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में हमने काम किया है। और इसलिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने मुझे कहा था कि NH-27 पर मटियारी फ्लाईओवर को शहीद पथ से जोड़ने के संबंध में उन्होंने मांग की थी। लखनऊ रिंग रोड दिसंबर 2022 तक बन जाने से ट्रैफिक का दबाव वैसे भी कम हो जाएगा। इसके अलावा लखनऊ अयोध्या गोरखपुर मार्ग बनने से भी ट्रैफिक जाम की समस्या हल हो जाएगी। पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी की तरफ से शहीद पथ को जोड़ने का जो प्रस्ताव दिया गया है, उन्होंने जो सुझाव दिया है उसको मैं मंजूर करता हूं और उस कार्य का भी जल्दी शुरुआत होगी ऐसा विश्वास देता हूं। जो आउटर रिंग रोड है, शारदा नहर सुल्तानपुर मार्ग SH-136 के जोड़ने के संबंध में उन्होंने सुझाव दिया था। माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऑलरेडी मोहनगंज देसाईगंज मार्ग का प्रस्ताव जो दिया है, मैं उसको भारतमाला परियोजना 2 में शरीक करने का, सम्मिलित करने का मैंने आदेश दिया है और उसको NH घोषित करके उसको भी हम शुरू करेंगे। बाद में तीसरी बात जो उन्होंने दी थी, लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे में ठाकुरगंज से दुबग्गा तक इंटरनल रिंग रोड की जो क्रॉसिंग है उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने के बारे में उन्होंने मुझे सुझाव दिया था। यह शहर के हिस्सा शहर के अंदर का है, जिसमें वन टाइम इंप्रूवमेंट के तहत फ्लाईओवर निर्माण करने की मैं घोषणा करता हूं और यह फ्लाईओवर पूरा करूंगा। मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा कि यह शहर के फ्लाईओवर है, मेरे विभाग ने मुझे कहा है कि लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार करेगी, तो मैंने उनको कहा कि राज्य सरकार को इसमें मत फंसाइए, कल पैसा नहीं मिलेगा तो आपको मुझे बताने के लिए कारण होगा कि लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ इसलिए नहीं होगा। तो मैं सब लैंड एक्विजिशन वगैरह सब मैं ही करूंगा हमारे तरफ से, केवल मेरा अनुरोध है कि ये लैंड एक्विजिशन करने में आपकी सरकार का सहयोग आप करिए, निश्चित रूप से ये फ्लाईओवर का निर्माण होगा ये मैं घोषित करता हूं। लखनऊ से रायबरेली मार्ग पर शनि मंदिर तिराहे पर फ्लाईओवर बनाने के संबंध में उन्होंने जो कहा है और जो स्थान बताया, वहां भी वन टाइम इंप्रूवमेंट के तहत फ्लाईओवर निर्माण करने की मैं मंजूरी देता हूं और उसके ऊपर भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा।
रायबरेली मार्ग पर पीजी गेट के बाहर ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के लिए फ्लाईओवर निर्माण करने के संबंध में, वैसे लखनऊ रिंग रोड बनने के बाद शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। फिर भी राजनाथ सिंह जी ने यह प्रस्ताव दिया है, उसका मैंने आज अध्ययन करने के लिए कहा है और उसके बाद इसके ऊपर भी जरूर निर्णय करने की कोशिश करूंगा, ये विश्वास देता हूं। गोमती नगर के समतामूलक चौराहे पर चौरा और कुकरेल फ्लाईओवर से NH-24A तक अयोध्या जाने वाला ट्रैफिक गुजरता है, जिससे हर समय जाम लगा रहता है और इसके लिए फ्लोवर लिप का निर्माण आवश्यक है। ये भी सुझाव आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने दिया है, वो इसी क्षेत्र के सांसद है। ये फ्लोवर लिप बनाने का जो प्रस्ताव दिया है, जाम की समस्या हल करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराकर हम इसका निदान करेंगे और ये भी प्रश्न सुलझा देंगे, ये वचन मैं उनको देता हूं। इसके साथ साथ गोमती खुर्रम नगर फ्लाईओवर का पहुंच मार्ग टेढ़ी पुलिया से बढ़ाकर कल्याणपुर रोड तक करने के संबंध में उन्होंने प्रस्ताव दिया है, ये भी प्रस्ताव फ्लाईओवर बन रहा है, मैं मंजूर करता हूं, यही घोषणा मैं यहां करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी ने भी उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण का कार्य बड़े तेजी से वो भी कर रहे हैं। इस देश के विकास के लिए चार बातें बहुत जरूरी है। अगर उद्योग और खेती का विकास करना है तो हमें चार बातें आवश्यक है, उसके सिवा किसी भी राज्य प्रगति और विकास की ओर नहीं जा सकता। वो चार बातें हैं पानी, बिजली, यातायात यानी रोड की व्यवस्था और टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवाय किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का विकास इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहां इसके बारे में काफी गंभीर समस्याएं थी, पर आप सबके आशीर्वाद से 2014 में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनाथ सिंह जी को यहां से चुनकर दिया। मेरे जैसे अनेक लोगों को लोकसभा जाने का मौका मिला और आपके आशीर्वाद के कारण ही हमारी सत्ता बनी और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। मैं योगी जी को विश्वास देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम 7 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसकी घोषणा मैं कर रहा हूं। आज योगी जी की कार्यभूमि गोरखपुर है, तो गोरखपुर से सिलगुड़ी तक पश्चिम बंगाल के एक ग्रीन फील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो गोरखपुर बाईपास से बिहार होकर सिलगुड़ी तक जाएगा। 519 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे और जिसकी कीमत 32,000 करोड़ रुपए होगी, उसका कार्य 6 महीने के अंदर उसकी शुरुआत होगी, ये वचन मैं आपको देता हूं। ये अलाइनमेंट नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों से गुजरेगा और इस एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश की 84 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 18